हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दनेसर आईटे। मध्य प्रदेश की एक और नई दोस्तों हम अपडेट लेकर आ चुके हैं आपकी। जो अपडेट दोस्तों, मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत दोस्तों यहां पर भर्ती की जा रही है, जिसमें आपके यहां पर पद रहने वाले हैं पंचायत कार्यपालक का, जिला प्रबंधक का, प्रखंड पर्यवेक्षक का। अलग अलग दोस्तों यहाँ पद निकाले गए हैं, अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है, यहाँ पर आपकी योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक और आपका चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है, ठीक है। तो क्या ये जो वैकेंसी सही है या गलत है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ताकि आप लोग देख कर ही आप लोग आवेदन करें, अंत आपका पेमेंट जो यहाँ पर चला जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है JSS अभियान.co.in। आप ये लिखोगे, आपके सामने फर्स्ट लिंक है वो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगी, इस पर आप करना क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, हमारे सामने इसके जो होम पेज है वो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जन स्वास्थ्य सहायता अभियान दोस्तों ओपन हो चुका है। अब आपको दोस्तों कहाँ पर जाना, देखिए पहले इसको जो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला नोटिफिकेशन ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक वाला, दूसरा प्रखंड पर्यवेक्षक वाला, तीसरा पंचायत कार्यपालक रहेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों कहाँ पर जाना, आपको जाना यहाँ पर जॉब सीकर एंड करियर, ठीक है। यहाँ पर जाना करियर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए पहली जो भर्ती रहने वाली है वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अब जैसे ही दोस्तों इसमें क्लिक करूँगा मैं, इसका जो नोटिफिकेशन है देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हिंदी में रहने वाला है, ये रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे आपको जो पद रहेगा वो रहेगा जिला प्रबंधक का, और यहाँ पे जो आपके रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश में रहेगा, बाकी सभी राज्यों में और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बताया गया है। सैलरी की बात करूँ मैं, 25,500 से 35,500 सैलरी यहाँ बताई गई है आपकी जो रहेगी योग्यता। तो यहाँ पर रहने वाली स्नातक। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आयु की, तो 18-40 वर्ष रखी गई है, और नौकरी का स्थान आपका सभी राज्यों में रहने वाला है, ठीक है, और जो कि मध्य प्रदेश में ही रहेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चयन, तो देखिए आपका स्नातक में जो अंक हैं और प्लस आपका इंटरव्यू, दोनों के आधार पर आपका चयन किया जाना है। आवेदन की जो डेट है 6 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और आपका 4-6 तक ही आपको ये चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे डेट। इसके पश्चात जो सूची है वो भी दोस्तों यहाँ पर जारी की जाएगी, 7-6 को की जाएगी, और अंतिम सूची है वो 10-6 को यहाँ पर जारी की जाएगी। और आवेदन शुल्क यहाँ पर बताई गई है आपकी ₹260, ठीक है। आवेदन कहाँ से करना है, तो आप लोग जैसे इसके लास्ट में जाओगे ये रहेगा यहीं के आवेदन, तो यहाँ से आप लोगों को ये भरना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लें, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी पे, देख लेते हैं दूसरी वैकेंसी आप ये रहने वाली है दोस्तों, ये रहेगी आपकी प्रखंड पर्यवेक्षक। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो नोटिफिकेशन वो दोस्तों ओपन हो जाए। देखिए इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका जो पद यहाँ पर रहने वाला है प्रखंड पर्यवेक्षक से पंचायत कार्यपालक का रहेगा। यहाँ भी सभी राज्यों में बताया गया है, मध्य प्रदेश में रहने वाला है। 14,500 से 21,500 सैलरी बताई गई है। 12वीं पास दोस्तों मांगा गया है। आपकी जो एज है 18-40 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी रहेगा। 12वीं में अंकों के आधार पर प्लस मेरिट के आधार आपका जो इंटरव्यू के आधार पर चयन होना है। और यहाँ पर जो आपके जो आवेदन हैं 4 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पर 4 जून तक ही चलने वाले हैं। 7 जून को आपकी लिस्ट आने वाली है और अंतिम सूची है वो भी आपकी दोस्तों यहाँ पर 10 जून को आने वाली, ठीक है। आवेदन जो पेमेंट है वो आपका ₹260 लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग जाओगे तो ये रहेगी फॉर्म भरने का आवेदन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों ये वाला पंचायत कार्यपालक वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका जो नोटिस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ये हो चुका है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका पद रहेगा पंचायत कार्यपालक रहेगा, कुल पद यहाँ पर दिए हुए हैं 1 लाख के आसपास बताए गए हैं। मासिक 12,500 से 16,500 तक है। 10वीं पास दोस्तों मांगा हुआ 18-40 बजे रखी गई है। मध्य प्रदेश के साथ अलग अलग राज्यों में होने वाली है। 10वीं में अंक एवं इंटरव्यू के आधार पर चयन होना है। 6 अप्रैल से ये जारी की गए हैं, ठीक है यहाँ पर, और 4 जून तक ये चलने वाले लास्ट डेट, और 7 जून को मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। 8 जून को अंतिम सूची वो यहाँ पर जारी की जाएगी और ₹260 आपकी लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा आवेदन, यहाँ पर इन्होंने दे दिया पूरा फॉर्म है, ठीक है यहाँ पर। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड करना। देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, तो मेरे सामने ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें भी ये रहेगा इसका जो रहेगा नोटिफिकेशन, इस तरह का ये निकाला हुआ है 5-4 को जारी की गई थी कि ये पूरा यहाँ पर रहने वाला दोस्तों। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर।
अब आपका कहना ये होगा कि इसमें हमको आवेदन करना चाहिए नहीं करना, क्योंकि आप लोग सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देखें कॉन्टैक्ट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर इनके जो ऑफिस हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑफिस दिए हुए हैं। मान लो न्यू दिल्ली में ऑफिस यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, और बिहार में बताया गया है, यहाँ पर आपका रांची, झारखंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके देख लें, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इनकी ईमेल आईडी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद ही दोस्तों आप लोग आवेदन करें, अन्यथा इसमें आवेदन आप लोग नहीं करें, क्योंकि वैकेंसी 1 लाख प्लस के यहाँ पर बताई गई हैं और अलग अलग राज्यों में अलग पद आपके बताए गए हैं। बहुत सी संबंध वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों, तो आप लोग इसमें देख कर ही आवेदन करें, अन्यथा आप लोग आवेदन ना करें, नहीं तो आपको पेमेंट है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो आज की दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।